मैम स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मेरी प्रॉब्लम थी, एक तो मुझे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, 25 ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? इयर्स, और कोई प्रश्न? और है एक आंखों के पास से काली लाइन स्टार्ट होती है और वो जाके चिन पे जाके खत्म होती है, तो उसको हमारी लैंग्वेज में पिगमेंटेड डिमार्केशन लाइन बोलते हैं। एक वो है, और एक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहता है, और एक डस्ट कॉन्स्टिपेशन। एलर्जी है, और क्या? और जो हाँ जी, और एक फेस पूरा डल रहता है, मतलब काला रहता है, बॉडी का कलर फेयर है एज कम्पेयर टू फेस, पर फेस बहुत ज्यादा काला। अब शादी है तो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना बताएंगे आप। ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, शादी हो जाएगी तो ये सब अपने आप ही अच्छा हो जाना चाहिए। शादी की एक ऐसी खुशी होती है जिसको भी चेहरे पर रौनक ना हो और प्लस डार्क सर्कल हो तो उसको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है, इसकी वजह से होता है। तो शादी की उम्र हो जाए और शादी ना हो तो वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होने लगती है, चाहे कोई माने इसको या ना माने, लेकिन पुरुषों को और महिलाओं को ये रोग शादी लेट होने से और ख्वाहिश बढ़ने से होता है। तो शादी अगर हो रही है तो खुद ही रौनक आ जाती है, लेकिन आपको शादी से पहले रौनक चाहिए तो एक या दो चम्मच इसबगोल की भूसी, भूसी इसबगोल भी कहते हैं, इसबगोल की भूसी भी कहते हैं, गरम दूध में मिक्स कर दें, खूब गरम दूध में, और उसमें अपनी ज़रूरत की शक्कर मीठा कर लें, शक्कर मिला लें, और एक चुटकी गौन चिलगोज़ा मिला दें। गौन चिलगोज़ा असली लेना, नकली ना लेना, नकली बहुत मिलता है। एक चुटकी बस गौन चिलगोज़ा मिला दें और उसमें मिलाकर रोज़ रात को सोते समय आप ये एक गिलास दूध, एक चम्मच या दो चम्मच इसबगोल की भूसी, एक चुटकी गौन चिलगोज़ा मिलाकर, ये दूध जब ठंडा हो जाए तो इसमें शक्कर वगैरह मिलाकर आप खीर की तरह खाएं, खीर जैसा लगता है, खीर से भी अच्छा लगता है। बस काफ़ी है आपकी जुमला परेशानियां जो आपने मुझे बताई, पेट से मुतालिक, डार्क सर्कल और चेहरे की रौनक से मुतालिक। जी, राजेश जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी मैम, जी सर, मम्मी पापा को पैरालाइज है, उम्र कितनी है उनकी 63। और बॉडी के किस पार्ट पे है? ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड है। तो बेटा अभी क्या हालत है? वो थोड़ा बहुत चलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं। ठीक हाँ जी, हाँ जी है। जी, जो बेटा आप लिख रहे हो जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, जी सर। देखो, एक आता है नमक जैतून, लिख लो नमक जैतून, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना है आपको, ये 100 ग्राम लेके रख लो अलग। एक आता है आपके किचन की एक चीज़ है सोडा, किचन में जो मम्मी यूज़ करती है खाने का सोडा, वही वो भी 100 ग्राम एक डिबिया में करके अलग रख लो, अलग अलग रखो ही ना। और एक आता है गोंद स्याह, लिख लीजिए, गोंद यानी गम, स्याह मतलब काला, काला गोंद, ये भी नकली बहुत मिलता है, महंगी चीज़ है, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, ये भी 100 ग्राम लेके अलग रख लो। ठीक है, ये गोंद स्याह एक रॉ मटेरियल है, इसे काला गोंद भी कहा जाता है, इसको पाउडर बना के रख लो अलग। आधा ग्राम गोंद स्याह खाएं और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला दें और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला दें। इस पानी से गोंद स्याह आधा ग्राम दिन में 2 बार नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खाना है, और 6-7 महीने तक लगातार खाना है। अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके मरीज को फायदा होना मुमकिन है।